नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। 28 नवंबर को विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रंग जोर पकड़ने लगा है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी चुनावी रंगत दिखाई दे रही है। चौपाल पर एक ही चर्चा, इस बार कौन होगा विधानसभा क्षेत्र से विजय उम्मीदवार। चौपाल पर बैठकर ग्रामीण जन दिन भर यही चर्चा करते दिखाई दे रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्राम टिवड़िया में जन समुदाय के साथ घर घर पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा ने मतदाताओं से आशीर्वाद लिया। ग्राम के मुस्लिम भाइयों द्वारा सलामत खान व उनकी पूरी टीम के द्वारा भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा का सिंहफल से तुलादान किया गया। इस अवसर पर ग्रामवासियों के साथ भाजपा समर्थक भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। तो वहीं सलामत भाई ने देश के प्रधानमंत्री के कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने बताया कि हमें भाजपा की सरकार में बहुत सुविधाओं का लाभ मिला है, जो कि पूर्व में हमें कभी नहीं मिला था। भाजपा का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसने सिद्ध करके दिखाया है और हम और हमारे परिवार और हमारे साथी सभी इस भाजपा को अपना आशीष देंगे। मैंने जो विकास के कार्य किए और सबसे बड़ी बात है कि जनता को सहज उपलब्धता, आज छोटे से बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक मेरा सीधा संवाद है और कहीं ना कहीं जनता को लग रहा है कि हमारे बीच का कोई आदमी फिर से जनता का आशीर्वाद लेने के लिए निकला है। इसलिए बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के धर्म जाति की मर्यादाएं तोड़कर लोग मेरे साथ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आशीष शर्मा ने विकास को एक आंदोलन बनाकर इस विधानसभा क्षेत्र में खड़ा किया है। और इस बार फिर से अगर भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतती है, भाजपा की सरकार बनती है, तो खातेगांव विधानसभा क्षेत्र का नाम विकास के मामले में पूरे मध्य प्रदेश में चमकेगा। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष कमल पटेल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, कितना संघर्ष करना पड़ेगा? देखिए, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनको समझाया भी था, लेकिन जो भी व्यक्ति लड़ता है चुनाव उसकी अपनी कुछ फीलिंग्स होती हैं, कुछ भावनाएं होती है, अपना कुछ विचार होता है, और इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने जो निर्णय लिया है वो उसके विषय में वही बता पाएंगे, लेकिन हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हमारे लिए ये चुनाव एक विजय का नया आगाज होगा और हम अपनी पूरी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस चुनाव में भाजपा की विजय श्री के लिए लगा। मोदी जी की जो योजना है उसके प्रति मैं आभारी हूँ। मेरे गरीबों की झुग्गी और झोपड़ी और हमारे तक बिजली पहुँचाई, हमारे तक सड़क पहुँचाया, इसलिए मैं आभारी हूँ, इसलिए मैंने तुलवाया। भाजपा सरकार में आपको क्या क्या लाभ मिला? भाजपा सरकार में आपको क्या क्या लाभ मिला? भाजपा सरकार को क्या लाभ मिला? सब है ना सर, यह है जैसे कि बच्चा पैदा होता है तो गाड़ी आती है, पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, अब गाड़ी आती है, लड्डू खाने को पैसे मिलते हैं, इसके बाद में उसके लिए पैसे मिलते हैं, मरण हरम जो कम जो भी होता है उसके लिए सबके लिए पैसा देती है सरकार। कुछ लोग कहते हैं कि मोमेडियन समाज के वोट नहीं, नहीं, कांग्रेस को ही मिलते नहीं हैं। वो गलत है। मेरी भावना यह है कि सभी इस बार जब योजना देखकर सभी वोट इसको करना चाहिए। खातेगांव से श्रवण पवार की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।